मिलेनियम सिटी करीमनगर के पास डोडा द्वारा बनाए गए आसरा आवास का रविवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डोडा के परियोजना निदेशक तेज कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने गरीबों के लिए बनाए गए आवास का निरीक्षण करते हुए उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दो दिनों के अंदर बिजली पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी ब्लॉकों पर नंबरिंग करने, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था करने सहित अन्य निर्देश दिए। आपको बता दें कि गरीबों को मकान के अंतर्गत मिलेनियम सिटी के पास डोडा द्वारा बनाए गए आसरा आवास में 120 मकान बनकर तैयार हैं, जिसमें से 16 अगस्त को 101 मकानों की चाबी मुख्यमंत्री गरीबों को सौंपेंगे, जिसमें खास करके बसफोड़ समाज के लोग शामिल हैं। इन्हीं मकानों को रविवार को जिलाधिकारी ने निरीक्षण करके मकानों का जायजा लिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया। सर, इसको ऊपर टंकी लगा दी आपने? जी सर, टंकी लगी है सर। ये जिसमें आप घुसे हैं सर, इसी में काम थोड़ा बाकी है, बाकी उधर के चार ब्लॉक बिल्कुल कंप्लीट सर। ये दो दिन में हो जाएगा सर, सब खाली से साफ सफाई। बिजली के सप्लाई है इस पे? जी सब में है। और इस पे यार बिजली तो कॉमन पॉइंट में दोगे सर? बिजली के लिए बात नहीं हुई थी सर, उनके सिंगल पॉइंट में देंगे या एसीएफ से बात हुई थी सर? बोले कि हमें जो लाइन बनाना पड़ेगा उसको 180 आवास के अनुसार बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप जितना कहोगे उतने हम कनेक्शन दे देंगे। जितने बात ना इंडिविजुअल कनेक्शन अलग अलग मोटर लगाएंगे, नीचे एक पॉइंट में देंगे। एक टावर में एक कनेक्शन होता है सर, मीटर मतलब मीटर देंगे सर, और सब मीटर सब सिंगल पॉइंट है कि मल्टीपल पॉइंट है? यानी जो इनके निधि के हिसाब से एक ही पॉइंट एक टावर को देते हैं, उसके बाद फिर सब डिवाइड होता है। हम तो सर नीचे से सबको कनेक्ट कर देते हैं पैनल से, मीटर तो सब लगाना अपना। इस पे देखिए कॉमन का कोई सर्विस होता है, वैसे मोटर चलाना है और बाहर का लाइट चलाना है, उसका पैसा तो आपस में शेयर करना पड़ता है। घर का पैसा होता है वो अलग होता है। अभी शुरुआत के बाद तो ये समस्या आएगी, फिर इसमें एक समिति भी बनाना पड़ेगा। आपको यही बताया ना, दो तीन चीज अभी कराना बाकी। अभी जो बचा हुआ दिन में एक आपस में लाठी डलवा दो, जो खासतौर पर बुजुर्ग है विकलांग है, उन लोगों को अलर्ट हो जाएगा। हमको नीचे वाला ही दिलाना, ये नीचे के लिए पीछे पड़ता है कि तो बैठो ये से गाय भैंस लगाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, वो सारे चीज होता है नीचे का फायदा वो ना। यदि तो विकलांग संख्या ज्यादा है तो फिर उसका आपस में लाठी डाल दो, किसका नीचे देना किसका बस फ्लोर देना। तो पहले तो लाठी पहले ही तरह हमको करा ले, तुम चटवा दो पहले, चटवा करके विकलांग और बुजुर्ग का अलग चटवा दो, उनके ग्राउंड फ्लोर का नंबर पहले ले लो लिस्ट पे, उस हिसाब से अलर्ट हो जाएगा। पहले वो खत्म होने के बाद फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर उन लोगों के सबको इकट्ठा करके लाठी में डाल दो जी। उस पर एक बच्चे से छोटी बच्चे डाल नंबर लिख दे रहे, तो फिर मान लो ये टावर है वन, ये टावर ये टावर टू ये टावर थ्री, बस सीधे सामने सामने नाम लिख करके बस एक हो जाएगा। दूसरा एक समिति बना करके यार इसको संचालन कराना पड़ेगा। पहले से ही वो ट्रेन है, बिजली देना पड़ेगा, बिजली नहीं देंगे बिजली वाला काट के चलेगा। पहले से ही फॉर्म भराते समय ही ये बात की जा रही है उनसे पहले ही कि लगभग 100 200 300 400 रुपए तुम्हारा
महीने में बिजली पानी का आएगा, एक खाना बनाए खाए, कोई बच्चे बाल बच्चे और कोई रुकेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, रहेंगे थोड़ा सा प्रशासन उसको लगा के वहाँ बुलडोजर लगा के वो हटेंगे और वहाँ से साफ कराना है तत्काल। प्रशासन करेगा सर इसे, नहीं सब लोग जा रहे हैं, जैसे उन लोगों के साथ अगर एक प्रेशर नहीं किया जाएगा उस जगह को भी, जैसे जिंदगी बीती है ना सर, तो उस जगह से लगाव है, अगर वहाँ पे दो पुलिसकर्मी हमेशा तैनात नहीं किए जाएंगे कि यहाँ दोबारा अतिक्रमण ना करें तो जा सकते हैं, उनको जगह दे रहे हैं, दोबारा मौका नहीं दे रहा है। आजाद ये स्कूल का भी यहाँ आसपास का स्कूल विद्यालय में करा दो भर्ती, इन लोग बच्चे का यही सर, ये बच्चे का स्कूल में भी शिफ्टिंग करा दो यहीं आसपास की। जी सर, स्कूल कहाँ पड़ता है यहाँ आसपास सरकारी स्कूल में? ठीक है ठीक है, इसमें सर फिर उसके नीचे भी नंबर पढ़ना पड़ेगा, तो ये हो गया, फिर इसके बाद A1, A2, A3, A4 जो भी है वो ऊपर भी रहेगा, वो घर का ऊपर भी रहेगा, ये A1 हो जाएगा और A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देंगे। हां जो भी डायरेक्शन है तुम्हारा क्लॉकवाइज में ठीक रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर देंगे। ये 1 2 3 4 ठीक है, फिर A5 ऐसे, तो फिर फिर 5 6 7 आगे नंबर हो जाएगा, नहीं कोई कंसर्न होगा सर, नंबरिंग हो जाएगा, सब अंदर 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, जो गरीब लोग कितने लोग हैं यहाँ शहर में, खासतौर पे बसफोर समूह वाले हैं, उन लोग को ये आवास देंगे, ये लागत करीबन 10 लाख का होगा एक आवास का, उसका बस फिनिशिंग स्टेज पे है, हम लोग एक दो दिन में जो लाभार्थी का अलर्ट करते हुए उन लोग को बसाएंगे यहाँ 15 तारीख को। 1500 यहाँ 120 का है क्षमता, हम लोग शुरुआत में फर्स्ट राउंड में 100 लोग का दे रहे हैं, 101 लोग का देंगे इसका।